अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग वीडियो बनाएंगे, ये SKF की ग्रीस है, LGHP 2-in-1। पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने 3-in-1 जनरल पर्पज़ ग्रीस से SKF की, उसके बारे में रिव्यू दिया था। और आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, SKF की ग्रीस है, बैरिंग ग्रीस LGHP 2-in-1 हाई टेम्परेचर। उस और इस ग्रीस में फ़र्क ये था कि वो जो है वो जनरल पर्पज़ थी, हम उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते थे, किसी भी जगह पे भी, चाहे डस्ट है या थोड़े टेम्परेचर है जहाँ 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर है -30 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे हम यूज़ कर लेते थे। ये SKF की LGHP 2-in-1 हाई टेम्परेचर ग्रीस है। इसका ये है कि ये जहाँ इसकी एप्लीकेशन ये कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, जैसे फ्लू गैसेज या बॉयलर के एग्जॉस्ट के ऊपर जो फ़ैन लगा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ के लिए इसकी टेम्परेचर रेटिंग जो है आप देख सकते हैं, ये है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर तक पे ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, और -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये वाटर रेजिस्टेंट है, अगर कोई वाटर वेपर्स लगते हैं तो उसके ऊपर भी जो है ये अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कम नहीं करेगी। ये बॉल बैरिंग और रोलर बैरिंग उनके लिए है, इसको भी हम इसके ऊपर भी हम इसकी वीडियो बनाएंगे। और ये एक्सट्रीमली हाई लाइफ है, लो नॉइस है, एक्सट्रीमली गुड है, वाटर रेजिस्टेंस है, कोरोजन प्रोटेक्शन है, और एक लेयर क्रिएट कर देती है मूविंग पार्ट्स के दरमियान, जो कि बड़ी इसकी एक्सट्रीमली लॉन्ग सर्विस लाइफ है इसकी, ठीक है। ये आप इसका कलर भी देख सकते हैं, ब्लू कलर की एक ग्रीस है। बहुत ही थिक है, जो पिछले वाली जो थी ग्रीस जिस पे हमने वीडियो बनाई थी, वो जो है थोड़ी सी ब्राउन कलर की थी, ये जो है ये थोड़ी सी ब्लूइश शेप में बेस। आप ये देख सकते हैं कि ये हाई परफॉर्मेंस ग्रीस है, बॉल बैरिंग रोलर बैलेंस पे यूज़ होती है, बहुत वाइड टेम्परेचर रेंज है, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, इलेक्ट्रिक मोटर्स उनके ऊपर यूज़ होती है। अब इसको हम और रिव्यू बनाएंगे, जब इसको हम बैरिंग के अंदर डालेंगे इसकी भी हम वीडियो बनाएंगे, और दिखाएंगे कि कौन से बैरिंग में हम लोग डाल रहे हैं और कितने RPM पे इसको चलाते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तब ताकि हम आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक यू।